बीबीसी हिंदी के फेसबुक लाइव पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सामने कैपिटल हिल है और ये जो पूरी जगह है देख पा रहे हैं आप, ये नेशनल मॉल इसे कहते हैं। और दूर ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है और इसके बीच की जगह है। ये आप देखें, झंडे ही झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। करीब एक घंटे में जो बाइडन और कमला हैरिस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और आज ये आप जैसे झंडे देख रहे हैं कि बहुत ही विंडी डे है, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। साजिद हाय, अगर आप मेरी आवाज सुनने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जरूर मैसेज करें कमेंट बॉक्स में। यहाँ सिग्नल थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है तो होपफुली आप ये हमारा लाइव फेसबुक लाइव पर आप ठीक से देख पाएंगे। होपफुली आप बीबीसी हिंदी के अलावा बीबीसी गुजराती और यूट्यूब का हमारा चैनल, उस पर भी आप लाइव देख रहे हैं। तो मैं कह रहा था इस जगह को नेशनल मॉल कहते हैं। और जनरली जब इनॉग्रेशन होता है तो जो कैपिटल हिल है और वहां से लेकर ये जो दूसरा सिरा है यहाँ पर लोग भरे रहते हैं। लेकिन आज आप देखें ये जो झंडे हैं करीब 2 लाख के आसपास हैं। और COVID-19 की वजह से या फिर जो अभी माहौल है सिक्योरिटी का कैपिटल हिल पर, जो हिंसा हुई और उसके बाद जो सुरक्षा के हालात हैं उसको देखते हुए, बहुत शुक्रिया जियाउर रहमान साहब बताने के लिए क्लियर वॉइस एंड वीडियो। तो उस वजह से इस पूरी जगह को झंडों से भर दिया गया है। और ये झंडे उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो यहाँ पर आते लेकिन नहीं आ पाए। करीब एक घंटे में जो बाइडन और कमला हैरिस अपने पदों की शपथ लेंगे। और अगर आप समझ नहीं पा रहा कि आप लोग देख पाएंगे नहीं, लेकिन आप देखें तो वहाँ पर लोग आपको नज़र आ रहे हैं। मैं जितना यहाँ से अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ लोग नज़र आ रहे हैं वहाँ पर। और ओथ टेकिंग सेरेमनी थोड़ी देर में शुरू होगी। ओके, तो ये आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूंगी क्या इलाका है। यहाँ पर मीडिया के लोग हैं, उसके बाद से सुरक्षा, भारी सुरक्षा तैनाती है यहाँ पर। और लेकिन ये बिल्कुल अलग सा जिसे कहें ओथ टेकिंग सेरेमनी है। आम लोग यहाँ से नदारद हैं, यहाँ पर मीडिया के लोग और सुरक्षा कर्मी हैं ज़्यादातर। लेकिन आम लोगों की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल नहीं, एक भी आदमी नहीं है। यहाँ पर आते हैं तो आपको सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ता है, मेटल डिटेक्टर से। इसके अलावा आपका COVID-19 आपका टेम्परेचर नापा जाता है, उसके बाद से ही आप यहाँ पर दाखिल हो पाते हैं। और सभी को अपने आई कार्ड्स कैरी करने होते हैं। कभी भी आपसे आपके आई कार्ड्स को चेक किया जा सकता है कि आपको यहाँ पर आने की अनुमति है या नहीं। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, उसके बाद से मैं कोशिश करूँगा आगे जाने की, आप जितना देख पाएँ। क्योंकि मेरा डर यह है कि अगर आप मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो सिग्नल थोड़ा गड़बड़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप, ये एक अलग तरह का इनॉग्रेशन इसलिए भी है कि क्योंकि COVID-19 के माहौल में हो रहा है। 4 लाख से ज़्यादा लोगों की अमेरिका में मौत हो चुकी है, कल ही ये आंकड़ा इनफैक्ट पार हुआ। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और खासकर जो कैपिटल हिल पर हिंसा हुई, तो ये आप लोग सुनते रहे होंगे ये लाइन की कितना अमेरिका बटा हुआ है। करीब 71 मिलियन लोगों ने जो बाइडन को वोट दिया, 81 मिलियन लोगों ने जो बाइडन को वोट दिया, 74 मिलियन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को के लिए फेवर में वोटिंग की। तो राइट डाउन द मिडल ये देश बटा हुआ है और सभी की निगाहें होंगी कि जो बाइडन जो उनका जो भाषण होगा, स्पीच होगा, माना जा रहा है कि करीब वो 20 मिनट लंबी उनकी स्पीच होगी, उसमें वो क्या कहते हैं। और एक दो बातें जिस पर बात हो रही है कि वो देश को इकट्ठा करने की बात करेंगे और सभी को साथ में लेकर चलने की बात करेंगे। और COVID-19 से जिस तरह से प्रभावित हुए लोग उस पर रिलीफ देने की बात कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पेरिफेरी पे लेके जाता हूँ ये थोड़ा सा दिखाने के लिए कि सुरक्षा क्या है यहाँ पर। देखिए घोड़ों पर या फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर ये नेशनल गार्ड के जवान तैनात हैं। नेशनल गार्ड के अलावा यहाँ पर सीक्रेट सर्विस पुलिस है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, शहर की पुलिस है, तमाम लोग यहाँ पर तैनात हैं।
और जनरेटर्स हैं, और इसके लिए बहुत मेहनत की गई है इस जगह को तैयार करने में, इनॉग्रेशन को तैयार करने में, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो उस लिहाज से भी काफ़ी ये चैलेंजिंग है। एक और वजह से ये पूरा इनॉग्रेशन यूनिक है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो अभी राष्ट्रपति हैं, अभी तक तो हैं, वो इस पूरे इनॉग्रेशन से दूर हैं, वो शामिल नहीं हुए हैं। कल उनका एक वीडियो आया था, उनकी जो फेयरवेल स्पीच है, करीब 20 मिनट लंबी फेयरवेल स्पीच थी, और थोड़ी देर पहले उन्होंने वो यहाँ से उड़े व्हाइट हाउस से, और यहाँ पर एक एयर बेस है वहाँ पर जाके उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है कहा है कि उनकी शुभकामनाएं हैं, अच्छे से रहे, अच्छा काम करे, लेकिन उन्होंने जो बाइडन और कमला हैरिस का नाम नहीं लिया है। तो वो इसे यहाँ पर जूम करिए। अब्दुल भाई, मैं थोड़ी देर में चलूँगा, मैं जूम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरे ख्याल से जूम की फैसिलिटी होती नहीं है, तो जूम आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, होपफुली सिग्नल नहीं कटेगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे जाने की। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये देखने में बहुत खूबसूरत है। 2 लाख के आसपास झंडे हैं, और ये सामने जो झंडे लगे हैं, ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे हैं, और हम देखते हैं हम कहाँ तक हमें जाने की इजाज़त मिलती है। सो होपफुली सिग्नल बरकरार रहेगा। ये सारे टीवी जो चैनल्स हैं उनके उनके सेट्स लगे हैं यहाँ पर, वहाँ से लोग रिपोर्टर्स लाइव कर रहे हैं। ये जनरेटर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए चीज़ें लगी हुई हैं। अमेरिका के झंडे हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हैं। ये दूर वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, जिन लोगों ने इन इन इनॉग्रेशंस को कवर किया है वो बताते हैं कि बिल्कुल अलग तरह का ये माहौल है। दूर देखें, ये सुरक्षा बल हाथों में हथियार, थोड़ा थोड़ा आगे जाओ और दिखाते जाओ। बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने की, मैं इसलिए थोड़ा कतरा रहा हूँ आगे जाने से क्योंकि सिग्नल ना कट जाए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जैमर्स लगे हों सुरक्षा की वजह से। और आजकल जो ब्रॉडकास्ट होता है वो सारा इंटरनेट, तो उसमें इंटरनेट का उसमें बहुत इस्तेमाल होता है, तो सारा जो बैंडविड्थ होता है वो सक कर लिया जाता है, तो इसलिए कभी कभी सिग्नल ड्रॉप होते हैं। तो होपफुली, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, आपने शायद ही ऐसा दृश्य देखा हो, एक ये सामने आप देख रहे हैं कैपिटल हिल, जहां पर तैयारी शपथ की थोड़ी देर में हम देखेंगे। आज का दिन, वैसे तो आने वाले 4 साल ही बहुत ही चैलेंजिंग रहेंगे जो बाइडन के लिए, लेकिन माना जा रहा है कि करीब वो दर्जन भर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उन पर जो बाइडन हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिनमें लोगों को कोविड से जो रिलीफ देने की बात है, कई लोग हैं जो अपने घरों का किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें एविक्शन ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप भाई आप किराया नहीं दे पा रहे हैं, आप खाली करें, तो उनको रिलीफ देने की बात है। उसके अलावा वो जो बाइडन कहते रहे कि उनकी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि 100 दिन पहले 100 दिन मास्क मैंडेट की बात करते रहें कि लोग मास्क पहने। इसके अलावा फेडरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन पर लोग उनको मास्क पहनना मैंडेटरी होगा, इस तरह की बात की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे जो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो कदम उठाए गए थे, जैसे पेरिस क्लाइमेट डील से
वॉकआउट किया गया था उसमें दोबारा शामिल होने की बात हो रही है। कुछ जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वहाँ से यहाँ के आने पर, लोग जो आने पर, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, वो उनको रिवर्स करने की बात है। तो इस तरह के कदम पहले कुछ घंटों में उठाने की बात यहाँ पर की जा रही है। एक और जिस पर बिल की बात चल रही है कि जो लोग यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं, करीब 11 मिलियन की बात होती है, उनको जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप, नागरिकता देने की बात हो रही है 8 साल में। उसको लेकर यहाँ पर उसका विरोध भी हो रहा है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। तो ये आप देखें, ये झंडे और I don't think मैं इससे ज़्यादा नज़दीक जा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको दिख पा रहा हो, ये सामने कैपिटल हिल, सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर पुलिस के लोग हैं, नेशनल गार्ड, तमाम जो एजेंसियाँ, सुरक्षा एजेंसियाँ के लोग यहाँ पर तैनात हैं। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इतिहास रहा है। और जो कुछ कैपिटल हिल पर हिंसा हुई, 5 लोगों की मौत हुई, उससे पूरे देश में एक तरह से शॉक की स्थिति थी कि आखिर अमेरिका में ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप उस घटना के बाद खास कर एक अलग थलग से पड़ गए। उनके जो रिपोर्ट्स हैं कि उनके जो रिश्ते भी खराब हो गए हैं, माइक पेंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति रहे हैं पिछले, इनफैक्ट कल जो भाषण हुआ उसके कई दिन पहले तक, जब से खासकर उनका जो ट्विटर अकाउंट है उस पर पाबंदी लगी, तो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता था। पब्लिक में राष्ट्रपति ट्रंप ये भी नज़र नहीं आते थे। और ऐसे हालात में जब अमेरिका में 4 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो चुकी है, ये आप देखें, अगर आवाज़ आ रही है वहाँ पर सेरेमनी, सामने जो कैपिटल हिल के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, लोग बैठे दिख रहे हैं। होपफुली रुके, मैं कोशिश करता हूँ पीछे जाके, अगर मुझे तो दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लोग वहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कैपिटल हिल के सामने, और करीब 1 घंटे से कम समय में मेरे ख्याल से जो सेरेमनी है, ओथ टेकिंग सेरेमनी, वो शुरू होगी। फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, सो ज़बरदस्त सुरक्षा है यहाँ पर। आप हमें बीबीसी हिंदी के फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, होपफुली आप बीबीसी गुजराती और यूट्यूब पर भी आप हमें लाइव देख पा रहे हैं। मैं हूँ विनीत खरे और हम इस वक्त कैपिटल हिल के सामने जो नेशनल मॉल का इलाका है वहां से लाइव हैं। ये जगह जहां पर आम तौर पर यहां पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं यहां पर इनॉग्रेशन देखने, लेकिन आज ये जगह करीब 2 लाख झंडों से भरी हुई है। अमेरिका के झंडे मुझे दिखे, बहुत सारे राज्यों के झंडे दिखे, कुछ झंडे मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे झंडे यहाँ पर देखें। और रात में खासकर यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं, जो कि ये आप देखें, अगर ये जो ये लाइट्स ऊपर जाती हैं आकाश में, और कल मैं था यहाँ पर काफ़ी रात तक, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इस पूरी जगह को तैयार करने में आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मेहनत, कितनी टाइम, कितना टाइम और कितना प्लानिंग इस पर लगा होगा। यहाँ पर मुझे संगीत की आवाज़ आ रही है, वहाँ म्यूजिक प्ले किया जा रहा है। आज का सुबह से ही दिन, और क्या स्नोफॉल हो रहा है क्या, आज सुबह से ही बहुत ठंड है यहाँ पर, मतलब मेरे हाथ बिल्कुल ठंडा रहे हैं और बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर है। अगर आपने एक भी कपड़ा आपका गलत, अपने शायद पहनना भूल गए हों,
आज का दिन बहुत मुश्किल है, तेज़ हवा चल रही है, सुबह इनफैक्ट थोड़ी बारिश भी हुई थी, हल्की सी बारिश नहीं ड्रिजल कहें, हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो बहुत बहुत ठंड है सुबह से आज। तेज़ हवा, शुरुआत में ऐसा लगा कि हल्की हवा है लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो उससे जो ठंड होती है और ज़्यादा बढ़ गई है। सिटी टाइम मुझे लग रहा है 11, मैं अभी जिस फ़ोन से मैं लाइव कर रहा हूँ सर, तो अभी मुझे लग रहा है 11 से ऊपर होने वाले हैं, और हम इस ब्रॉडकास्ट को थोड़ी देर और जारी रखेंगे, उसके बाद से हम बंद करेंगे। सो ये आप देखें सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, आप हमें साफ सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे, कैपिटल हिल से थोड़ी दूर नेशनल मॉल पर, बीबीसी हिंदी के फेसबुक लाइव के अलावा बीबीसी गुजराती और यूट्यूब पर भी होपफुली आप हमें देख रहे हैं। संदीप साहू, भारत में 9:45 रात का समय है, यहाँ पर 11:15 बजे हैं और बस 5 मिनट में, 2-3 मिनट में इनफैक्ट के बाद हम ये लाइव बंद करेंगे। मैं बस दिखाना चाह रहा था कि आखिरी कुछ मिनट तेज हवा है और बहुत ठंड है यहाँ पर, चुनौतीपूर्ण वक्त होगा जो बाइडेन के लिए, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर डोमेस्टिक इश्यूज पर, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विषयों की बात करें तो चाहे वो ईरान हो, चीन हो, जो पूर्व में अमेरिका के जो एलाइज, इनफैक्ट पूर्व में कहें क्या कहें, अगर हम एलाइज की बात करें, एलाइज अमेरिका के एलाइज और अमेरिका के बीच में जो विश्वास की जो बंधन हैं वो कमज़ोर हुए हैं, तो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, बाकी के जो एलाइज हैं वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि चीज़ें जो 4 साल पहले रहीं, जिसमें अमेरिका की तरफ से ट्रंप प्रशासन के दौरान ये सिग्नल दिए गए कि अमेरिका अकेला चल सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से अलग होकर, वो चीज़ें शायद बेहतर होंगी। और जिस तरह से पेरिस क्लाइमेट डील से अमेरिका अलग हुआ, ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका अलग हुआ, हमें देखना होगा कि उस पर अब किस तरह से जो बाइडेन प्रशासन आगे बढ़ता है, और यूरोप के नेता भी उम्मीद जता रहे हैं कि पहले के जो पुराने बीते 4 साल हैं वो आने वाले 4 सालों से अलग होंगे, आने वाले 4 साल बीते हुए 4 सालों से अलग होंगे। लेकिन जो सब डोमेस्टिक तौर पर अगर हम देखें, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जो बाइडेन के लिए होगी, 2 चुनौतियां अमेरिका को साथ मिलाना, जिन लोगों ने जो बाइडेन को वोट नहीं दिया, कमला हैरिस के लिए वोट नहीं किया, कैसे उन्हें अपनी तरफ लाया जाए, कैसे उन्हें कन्विंस किया जाए, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से रेडिकलाइजेशन बढ़ा है अमेरिका में, और दूसरी चुनौती ऑफकोर्स COVID-19, 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत, अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल होना, लोगों की नौकरियां, लोगों की जिंदगियों पर जिस तरह से असर पड़ा है, तबाह हुई हैं, उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए। अभी $1.9 trillion का जो एक बिल है उसे पास करवाना, एक वो एक और उस पर कैसे आगे बढ़ते हैं, बढ़ता है प्रशासन, ये हमें देखना होगा। उसमें से करीब $400 billion वो कोविड रिलीफ के नाम पर खर्च होने की बात है, तो वो उसे चुनौती होगी। और रिपब्लिकन्स उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो बाइडेन सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं,
क्या रिपब्लिकन्स चाहे माइक चाहे इमिग्रेशन को लेकर हो या फिर ये 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का जो रिलीफ पैकेज है उस पर हो, उस पर बात हो, उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे करते हैं कि हमें देखना होगा। यहाँ पर सन्नाटा है, सन्नाटे से मेरा मतलब है आम लोग यहाँ से नदारद हैं, अलग माहौल में ये पूरा इनॉग्रेशन हो रहा है और करीब 40 मिनट बाद जो बाइडन और कमला हैरिस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों की शपथ लेंगे। मुझे विनीत खरे को नेशनल मॉल से कैपिटल हिल के सामने से दीजिए इजाज़त, कुछ और होगा तो हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस फेसबुक लाइव को देखने का के लिए।